हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू पी एस सी अड्डा। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूँ। तो अभी हमारी सीरीज़ चल रही है 2014 सिक्स और फिफ्थ मार्कर की, जहाँ पर आज हमारे प्रश्न क्रमांक है 9वां। ठीक है, यहाँ पर 14वां इसलिए है क्योंकि उस पेपर के प्रश्न 15 थे, उसमें से ये 14वां नंबर का है। तो क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि नर्मदा घाटी योजना का विवेचन कीजिए। प्रश्न काफ़ी अच्छा है और एक चीज़ आपको जियोग्राफी में आप समझ में आ रही होगी कि जो प्रश्न है वो ज़्यादातर कहाँ से पूछे जा रहे हैं, एमपी या इंडिया से। वर्ल्ड जियोग्राफी से बड़े क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। तो शुरुआत में मैं आपको समझाऊंगा 100 शब्दों कैसे लिखना है, फिर अंत में समझाएंगे 50 में से कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहली बात, एक एमपी का मैप तो ज़रूरी चाहिए हमें। और प्रश्न पे एक चीज़ कि नर्मदा घाटी योजना का विवेचन कीजिए, कुल मिला के कि नर्मदा नदी पर बनने वाले जितने भी बांध हैं उन सभी बांधों की आपको क्या करना है, चर्चा करना है। जब आप मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना पढ़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें नर्मदा घाटी योजना या परियोजना आती है, इसके अंतर्गत जितने भी बांध बने हुए हैं खास खास बांधों का आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बढ़िया सा मैप बनाएंगे, उसमें यहाँ से लगाकर यहाँ तक नर्मदा नदी को ड्रॉ करेंगे। हालांकि इसमें नर्मदा घाटी योजना पूछा है जो सिर्फ एमपी के संदर्भ में नहीं है, पूरे भारत के संदर्भ में, तो हमें इससे भी बाहर भी जाना पड़ेगा, लेकिन एमपी के मैप से काम चल जाएगा हमारा। तो हम एक एमपी का मैप बनाएंगे और उसमें यहाँ पर बता देंगे शुरुआत में मटियारी बांध है, फिर बरगी बांध, पुनासा, ओंकारेश्वर, महेश्वर, सरदार सरोवर, जोबट। तो यहीं से क्या होगा कि जो परीक्षा के वो देख के तो इतना ही ढेर हो जाएगा कि हाँ चलो भाई, बंदे को इतना बढ़िया नॉलेज है, इतना काम तो उसने आसान कर दिया है। तो होता है क्या कि जब परीक्षक फिर आगे जाता है तो वो ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट लेता नहीं है, वो आपकी सारी चीज़ें यहीं कवर कर चुके होते हैं, तो फिर आपका काम अच्छे से बन जाता है। लेकिन फिर भी हमें अपना काम पूरा करना है और नंबर पूरे गेन करने हैं। तो इसके बाद हम भूमिगत रूप में शुरुआत करेंगे कि नर्मदा नदी पर कितने बांध है, क्या है वगैरह, सारी चीज़ें हमें लिखने रहेगी। तो यहाँ पर है कि नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में ही 29 वृहत, 135 मध्यम तथा 3000 क्या है, लघु परियोजनाएं। मतलब नर्मदा नदी पर ये जितने भी बांध हैं यही सारी क्या कहलाती है, ऑल ओवर नर्मदा घाटी परियोजना, जो लगभग 2200 मेगावाट बिजली तथा 27.55 लाख जो हेक्टेयर भूमि है उसे क्या करती है, सिंचित करती है। तो यहाँ पर जब आप इतना लिखेंगे तो एक नर्मदा घाटी जो परियोजना है उसके बारे में हमारा जो बेसिक है वो अच्छे से हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर एक एक करके कुछ बांधों की हमें चर्चा करनी रहेगी। तो हम यहाँ पर आगे चर्चा करेंगे कि नर्मदा नदी घाटी की सबसे बड़ी परियोजना इंदिरा सागर परियोजना है, जिसमें 4 बांध प्रमुख है। तो इसमें जो बहुत सारी परियोजना है उसको भी अलग अलग बांट रखा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी, इसमें इंदिरा सागर परियोजना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इतना सारा हम लिख नहीं पाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए, हर बार हमेशा की तरह एक डायग्राम की तो मैं कहता हूँ आपसे, तो एक डायग्राम बनाएंगे हम कि इंदिरा सागर परियोजना में कौन कौन से बांध आते हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण बांध कौन सा है, सरदार सरोवर, जो इसके बारे में एक शोर डिटेल लिख देंगे, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना, जो कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। दूसरा हम लिखेंगे ओंकारेश्वर, जो लगभग 520 मेगावाट क्षमता के साथ खंडवा, खरगोन, बड़वानी सिंचित क्षेत्र इनको करता है। उसके बाद में तीसरा हमारा क्या है, महेश्वर, और चौथा है पुनासा। तो महेश्वर खरगोन में है और पुनासा कहाँ है, खंडवा में है। जब आप ऐसा इन शॉर्ट लिख देंगे और एक और डायग्राम बना लेंगे तो आपको नंबर मिलने की संभावना क्या होती है, और भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, लेकिन उत्तर हमारा यहीं खत्म नहीं होता है, इसको हमें 100 में लिखना है, 100 शब्द पूरे भी नहीं हुए, और दूसरी बात तो डायग्राम के वैसे भी शब्द काउंट नहीं किए जाते हैं। आगे बढ़ते हम, और जो अन्य परियोजना है उसे हम क्या करेंगे, इन शॉर्ट यहाँ पर लिख देंगे। तो और परियोजना में एक तो बरगी परियोजना, जो हमने मैप में भी बता रखी है, तो जबलपुर में नर्मदा की सहायक नदी बरगी पर अवस्थित, और नरसिंहपुर, दमोह, और ये क्या है, इसमें लाभान्वित है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, यहाँ पर हमें ऐसा लिखना रहेगा। उसके बाद में दूसरा लिखेंगे मटियारी परियोजना, तो मंडला में बंजर की सहायक नदी मटियारी पर अवस्थित, सिर्फ आप इतना लिख दीजिए कौन सी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए उसके बाद में तीसरी है तवा परियोजना, तो ये होशंगाबाद में अवस्थित और रायसेन, भोपाल इसमें क्या है, लाभान्वित है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लिख देंगे तवा परियोजना से कौन कौन से लाभान्वित, ऐसे करके फिर आगे कोलार परियोजना, तो कोलार परियोजना जो सीहोर में नर्मदा की सहायक नदी कोलार पर स्थित है और इससे भोपाल और सीहोर क्या है, लाभान्वित है। उसके बाद जोबट, तो जोबट आखिरी है, और जोबट में कि झाबुआ की झाबुआ में नर्मदा की सहायक नदी हथिनी पर स्थित है ये, और हमने बता दिया है। देखिए यहाँ पर आखिरी में हम और क्या लिख देंगे कि नर्मदा घाटी परियोजना में नर्मदा और उसके बेसिन में स्थित सभी नदियों को शामिल किया जाता है।
ऐसा नहीं होगा इसमें सिर्फ नर्मदा, नर्मदा की जितनी भी है ऊपर आप जितनी भी देख रहे हैं ना, ये सारी नर्मदा की सहायक नदियां हैं, बरगी, मटियारी, तवा, कोलार, जोबट। तो ये ऐसा नहीं कि नर्मदा पर ही बांध बने हैं, उसकी सहायक पर भी बने हैं, तो उसकी नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत आ जाता है। अब ये हमने लिखा कितने में, 100 में। जब बारी आती 50 की तो 50 में कैसे लिखेंगे, तो वहीं से शुरुआत। हमेशा की तरह मैं पहले भी कहता आया हूँ, आपको क्या करना है, एक बढ़िया सा मैप तो बनाना ही है। ये मैप बिल्कुल बनाइए आप। मैप बनाने के बाद अब आपके विचार आता है कि हम क्या करें, ठीक है। अगर आप ये लिखने गए यहाँ पर, ठीक है, कि ये वाला पूरी भूमि का तो लगभग 30 शब्द तो हमारे, या 30 या 25 शब्द यहाँ खत्म हो जाएंगे, ये हम कर नहीं सकते। इसमें वही वाला काम करना है आपको, बस सबसे मेन चीज ऐसा डायग्राम बनाइए आप, और इसमें ये लिख सकते हैं कि नर्मदा घाटी की सबसे बड़ी परियोजना इंद्र सागर, ये डायग्राम बना दीजिए। इस डायग्राम में भी, ठीक है, मैं पहले कह रहा हूँ ये नंबर इतने काउंट होंगे नहीं, फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ कभी शब्द काउंट हो, ये वाला जो पोर्शन इसे छोड़ दीजिए, नीचे इसके बारे में विशेषता मत लिखिए, सिर्फ ये जो चार डैम है सरदार सरोवर, ओकारेश्वर, महेश्वर, पुनासा, ये लिख दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश की अन्य परियोजनाएं और अन्य परियोजनाओं के लिए भी आप क्या करें, डायग्राम बना दें, और डायग्राम में क्या करें, इन्हें सीधा लिख दें। अब यहाँ पर आपको बस अन्य परियोजना और डायग्राम बनाना है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ शब्द या डायग्राम ही बन रहे हमारे, हमने तो लिखा कुछ नहीं है, तो एक काम ये कर सकते हैं कि आप ये वाला शुरुआत में भूमिका है, इस भूमिका को आप लिख दीजिए, उसके बाद दो डायग्राम बना दीजिए, इन दोनों डायग्राम में हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा कंप्लीट, और 5 में से लगभग आपको 4 नंबर तो यहाँ पर मिल ही जाएंगे, और 6 का तो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है साथियों। तो ये हमारा 2014 का नवा प्रश्न है। कल हम हाजिर होंगे लास्ट प्रश्न के साथ, फिर हम रुक करेंगे 2015 की तरफ, और मुझे लगता है कि मेरी तरफ से जो एफर्ट लगा रहा हूँ उसका फायदा आप लोग ले रहे होंगे, जो भी देख रहे होंगे उन्हें धीरे धीरे कुछ फर्क पता पड़ रहा होगा, ठीक है। तो एक कोशिश जरूर करें, आपको जो प्रश्न मिलता है तो उसका उत्तर स्वयं लिखें, उसके बाद रोजाना रात 9 बजे आप इसे चेक कर सकते हैं। चलिए साथियों, तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है, मैं भूपेंद्र सिंह चंद्रावत आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।